तो अभी आ रही है मशीन, वो उधर काफ़ी दूर है तो अभी नज़दीक में आ रही है धीरे धीरे। इससे भूसा ट्रॉली में इकट्ठा हो रहा है, ये देख सकते हैं। हेलो गाइज, वेलकम टू माय ब्लॉग जीएस मेहरा ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि लगभग सुबह के बज चुके हैं 10 और आज गर्मी बहुत ज़्यादा है और बादल भी लगे हुए हैं आसमान में। ऐसा लग रहा है कि आंधी आएगी, फिर से तूफान आएगा और काफ़ी काले काले बादल लगे हुए हैं। सुबह सुबह ही लगभग अभी इतना टेम्परेचर हो चुका है, 34-35 डिग्री के आसपास, तो बहुत गर्मी है। अभी जैसे कि कल मैंने चारे में पानी लगाया था तो आज इसमें खाद डालना है, क्योंकि ये बढ़ नहीं रही है। तो अगर इसमें खाद डाल देंगे तो ये फटाफट बढ़ेगी और गाय को खिलाने लायक जल्दी से जल्दी हो जाएगी। तो मैं खाद लेकर आ चुका हूँ, यूरिया। तो फिलहाल तो पहले इसमें मैं डालता हूँ खाद। तो ये देख सकते हैं, ये है यूरिया। अभी यही डालूंगा मैं चारे में ताकि जल्दी से जल्दी बढ़े हो और गाय को खिलाने लायक हो जाए, क्योंकि अभी चारा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, बरसिंग बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। तो अभी कुछ है नहीं गाय के लिए और गाय हमारी ब्याने वाली है तो उसके लिए चारा बहुत ज़रूरी है हरा। तो अभी मैं इसको डालता हूँ, देख सकते हैं एकदम चीनी की तरह दिखेगा लेकिन ये होता बहुत खतरनाक है। खाद डाल दी है मैंने, क्योंकि छोटी सी क्यारी है तो दो चार मिनट में ही डाल दी। तो अब पानी लगा रखा दो तीन दिन पहले, तो अभी खाद डल गई है तो अब चारा फटाफट बड़ा हो जाएगा और एक आध हफ्ते में काटने लायक हो जाएगा। और अभी मैं जा रहा हूँ यहीं अपने पड़ोस पे, क्योंकि वहाँ पर आई है भूसा निकालने वाली मशीन। देखते हैं वो कैसे भूसा बनाती है और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आखिरी तक बने रहिए। और जो कंपाइन लगती है और उसके बाद जो भूसा निकलता है तो दिखाऊंगा आपको कैसे भूसा निकलता है और कैसे उसको इकट्ठा किया जाता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मौसम तो देख ही सकते हैं, बहुत ही ख़तरनाक हो रहा है, कभी भी आंधी आ सकती है, कभी भी बारिश आ सकती है। तो मैं पहुंच चुका हूं, जस्ट हमारे बगल में ही भूसा निकल रहा है, क्योंकि हमने तो कंबाइन लगाई नहीं, हमने तो लेबर लगवा के कटवाया था गेहूं, और जिनने कंबाइन लगवाई थी तो उसके बाद भूसा निकाला जाता है। तो वो उसके लिए एक मशीन आती है, वही आई हुई है, तो देखते हैं। तो ये देख सकते हैं इधर भूसा निकल रहा है, जो आपको धूल धूल दिखाई दे रही होगी वही मशीन चल रही है, अभी जा रही है उधर को। और ये जैसा कि ये सारा नड़वा पड़ा हुआ है खेत में, इसी का भूसा बनाया जाता है, क्योंकि कंबाइन जब चलती है तो वो ये नड़वा नड़वा अलग कर देती है और गेहूं अलग कर देती है, और फिर बाद में भूसा बनाने के लिए एक विशेष मशीन आती है जो चल रही है। आपको दिखाई दे रहा होगा, अभी दो जा रही हो, जब पास में आएगी मैं तब दिखाता हूँ आपको। ट्राली है कुछ, इस विशेष प्रकार की ट्राली बनाई जाती है, इसी में भूसा इकट्ठा होता है, जाली लगी हुई है चारों तरफ और इसी में इकट्ठा होते रहता है, और जब ये भर जाती है तो इसको खाली कर लेते हैं। देखिए चारों तरफ से इसको बंद किया गया है, जो बारीक धूल होती है वो तो उड़ जाती है और जो भूसा होता है इसी में इकट्ठा होते रहता है। देखिए कुछ इस तरह से दिखती है ये। तो इनके पास दो ट्रॉली होती है, एक अभी वो चल रही है, जब वो भर जाएगी तो उसको खाली करेंगे और तब इसको जोड़ लेंगे। तो ऐसे बारी बारी करके निकालते रहते हैं, अभी पास में आती है तो मैं दिखाता हूँ आपको। तो अभी आ रही है मशीन, वो उधर काफ़ी दूर है तो अभी नज़दीक में आ रही है धीरे धीरे,
भूसा बनाते हुए आ रही है वो। तो अभी गर्मी भी बहुत ज़बरदस्त है, खड़ा नहीं हो रहा जा रहा है धूप में। तो अभी पास में आती है तो फिर दिखाता हूँ मैं आपको कि वो कैसे भूसा बना रही है और कैसे इकट्ठा कर रही है। तो देख सकते हैं धीरे धीरे पास में आ रही है मशीन, थोड़ा स्लो स्लो चलता है ट्रैक्टर इसमें, क्योंकि भूसा धीरे धीरे चलने पर ही निकलता है, अगर स्पीड से चलाएंगे तो भूसा निकल नहीं पाएंगे, तो इसलिए थोड़ा स्लो आ रहा है ट्रैक्टर। और पूरा धूल का बमंडर भी उठ रहा है साथ में, क्योंकि जो बारीक डस्ट होती है वो बाहर उड़ते रहती है ट्रॉली से, ये देख सकते हैं। और इधर बैठे हुए हैं मालिक, ये मालिक बैठे हुए हैं, यही इन्हीं का ट्रैक्टर है। तो आ चुकी है पास में, छोटी सी मशीन होती है, सब उसी का कमाल है। जो ये नीचे आपको सारा नड़वा नड़वा दिख रहा है, सब भूसा बना देती है इसका। तो वो देख सकते हैं कैसे भूसा बना रही है, बहुत ही ज़बरदस्त मशीन है ये। देखिए कुछ इस तरह से मशीनें हैं, ये आगे ब्लेडें लगी हुई है और इससे कट रहा है, और ये पाइप लगा हुआ है जिससे भूसा ट्रॉली में इकट्ठा हो रहा है, ये देख सकते हैं। ये है छोटी सी मशीन, और धूल तो बहुत ही ज़बरदस्त उड़ गई है, ये देख सकते हैं। धूल ही धूल आ गई है काफ़ी मेरे ऊपर भी। तो जैसे कि आजकल गेहूं काटने के लिए आदमी तो मिल नहीं पाते हैं, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा आजकल इसी मशीन से भूसा बनवाते हैं, और फिर पहले कंबाइन से गेहूं कटवाते हैं फिर इससे भूसा निकलवाते हैं। तो अभी सारा काम लगभग खेती का मशीनों द्वारा हो गया है, ये देख सकते हैं अभी जा रही, तो इसी प्रकार से ये भूसा निकालते रहेगी और ट्रॉली में इकट्ठा होते रहेगा। तो गाइज जैसे कि आपने देखा होगा कि कैसे भूसा बनाया जाता है और किस तरह से भूसा बन रहा था, छोटी सी मशीन है उसी से भूसा निकाला जाता है और ट्रॉली में इकट्ठा होता रहता है, और फिर उसको वो भर जाती है तो ट्रॉली चेंज कर लेते हैं। एक ट्रॉली देखिए आप वेटिंग में खड़ी है, जैसे ही वो भर जाएगी तो फिर उस ट्रॉली का यूज करेंगे। तो अब मैं चलता हूँ घर, क्योंकि गर्मी बहुत ज़बरदस्त है, ज़्यादा रुका नहीं जा रहा है धूप में। तो मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए।